चाहिए। देखो यहाँ पे आ गए इतने लोग के साथ में और बाकी लोग नहा रहे हैं। मॉर्निंग का व्यू देखो मस्त है यहाँ से। इधर इतनी ठंडी नहीं है जितनी हर बार पहलगाम में होती है। सो आज का डेट है 4 जुलाई 2022। ये यात्रा का हम लोग का पहला दिन है और यात्रा भी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। जर्नी का हमारा चौथा दिन है। हम लोग 1 तारीख को निकले थे मुंबई से। अभी हम लोग पहलगाम में ये वाले होटल में रुके थे। होटल का इधर वीडियो के नीचे जो भी नंबर रहेगा आपको कॉल करना, डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो होटल के लिए, ठीक है। प्लस इनका गाड़ी जो हमने किया है, गाड़ी का भी मैंने अंकल जी का जो नंबर है सुरेंद्र जी का, उसके जो भी नंबर डाला हुआ नीचे ड्राइवर करके। यहाँ से 16 किलोमीटर हमको चलना है गाड़ी से, उसके बाद हमको पैदल चलना है, ठीक है। मैं आपको पूरा रूट दिखाऊंगा हमारा यात्रा का। वीडियो अच्छा लगे लाइक ठोक देना, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जय भोले बाबा की। सो हमने गाड़ी करी है, हमारे साथ 6-7 दिन के लिए रहेगी। ये सुरेंद्र पाजी है, ये अच्छे पायलट है, हमारे साथ रहेंगे। एक्स्ट्रा सामान जो भी रहेगा आपको गाड़ी में रखना या फिर मत लेके आओ। चलने के लिए हमने अलग से बैग बना के रखी है, छोटी छोटी बैग, यही लेके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। एलसी ट्रैवलर्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय बोले। तो मैं यहाँ से अभी टैक्सी करी है, हम लोग जा रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए। और एक टैक्सी में मेरे को 13 बंदे, हम लोग 13 बंदे घुस गए, 13 बंदे प्लस जो अंकल जी पायलट है वो भी आ रहे हैं। और हमारी हालत देख लो, हम कैसे बैठे हैं इधर बकरे की तरह। हमारी और बताओ। अरे बाप रे, लटक नहीं हूँ मैं, लटक रहा हूँ ऐसे। हमने टैक्सी करी है, टैक्सी का रेट है 1800 रुपया, 16 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा चंदनवाड़ी के लिए। उसके बाद आपकी जो यात्रा है पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। ऑलरेडी इस रोड पे मैंने बेतापली का वीडियो डाला हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हो। एक्चुअली हमको याद है छोड़ दिया, पर पर्सन में 180 का चार्ज है। अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो 180 रुपया एक दिन का लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको छोड़ेंगे। और ये वाली लाइन है, अभी भीड़ कम है इसके लिए, ये वाली अपने हिसाब से भीड़ कम है। मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ से घुमा के ऊपर तक ले जाएंगे, वहाँ अपनी चेकिंग होगी, उसके बाद अंदर एंट्री होगी। आपके पास जो भी पास रहेगा रजिस्ट्रेशन वाला, उसको हाथ में रखना है, आगे जाकर उसको दिखाना है। तो ये वाली लाइन अंदर लेके जाएगी आपको, यहाँ से थोड़ा घुमाएंगे। कोई ज़्यादा भीड़ रहता तो आपको घूम घूम के जाना है। बोले यार, जितना भी फॉर्म है इसका 3 फॉर्म है, इस वजह एक टुकड़ा फाड़ के यहाँ रख लेंगे। इसके बाद अपनी चेकिंग होने वाली है यहाँ पे। क्या बोले जो दिखाने, जो दिखाने क्या कैमरा यहाँ से आपको चेकिंग होगी, आपके बैग की चेक होगी और अपनी खुद की भी चेकिंग होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपना जो आईडी रहेगा, रजिस्ट्रेशन का कार्ड बना, वो 3 में से 1 पर्ची आपको काट के वहाँ देनी है। और ये वाला गेट यहाँ से आपको अंदर जाना है। बोले 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 बोले। तो ये वाला गेट से एंट्री मारेंगे आप, आपको आसपास से भंडार दिखेगा। ये बोले आपके बहुत सेवा करेंगे, कुछ 5 मिनट खा के जाना इनके पास से, ठीक है। और यहाँ भंडार है, यहाँ कुछ खा के फिर निकलना आगे की तरफ। हम लोग चाय लेंगे और बटर टोच लेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। जय बोले। तो इधर नीचे बहुत सारे भंडार है, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ चलना है। ये वाला गेट है, यहाँ से आगे राइट में जाना है। तो इधर यहाँ पे लाठी ले रहे हैं, इस तरह की आपको लकड़ी लेनी है, 100 रुपये की 4 मिलेगी, ठीक है। इस तरह की लकड़ी एक बार देख लो बराबर प्रॉपर, इसके बिना आप ट्रैवल ना करें। इसके बिना आगे ऊपर जाओगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है, ये ले लो पहले यहाँ से। सो यार गाँव आएगा वो पार करेंगे, और मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो में दिखाया था, इधर हम लोग खेल रहे थे बर्फ़ से खेल रहे थे, वो वाला जगह है। वो टाइम जितनी भी बर्फ़ थी सारी वही पिघल गई है, इसके लिए बहुत सारा पानी इधर, और गर्मी भी है। ये टाइम पे अगर आप आ रहे हो यहाँ पे ठंडी होती है, तो इस बार वेदर चेंज है इधर, यहाँ से गर्मी शुरू हो गई है। सो ये वाली पहली चढ़ाई यात्रा की, आप वहाँ से आएंगे उधर से आपको हल्का हल्का ऊपर स्लोप चढ़ना है, मतलब आपकी थोड़ी ट्रेनिंग होगी, इस तरह से आपको ऊपर जाना, ठीक है। तो आधा घंटा भी नहीं हुआ चल के, वो वाली पहली पोस्ट है, वहाँ से हम लोग ऊपर आए यहाँ पर। और धीरे धीरे सांस फूलने लग गई अभी, पानी के मजे लो एकदम मस्त, क्या मस्त आवाज आ रही है। हाँ, शेषनाग यहाँ पर देखो 11.5 किलोमीटर दिख रहा है, शेषनाग तक आज अपने को जाने का है। ऑलमोस्ट हम लोग 1-2 किलोमीटर चले रहेंगे, 2 किलोमीटर में नहीं हुआ, 1.5 किलोमीटर हुआ अभी। यहाँ से जो ये रास्ता दिख रहा है, ये वाली मेन चढ़ाई है। ऐसी लकड़ी आपको 20 से 25 रुपये मिल जाएगी, बड़ा अच्छी मजबूत देख के चलो।
जैसा कि सबसे जो मेन चढ़ाई वाली जो जगह है वही है, तो पहले आओगे सर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये वाली देख लो सामने पीछे दिख रहा है, ये वाली मेन चढ़ाई पूरी यात्रा में आपको एक ही वाली मेन चढ़ाई है, इसके बाद आपको कहीं भी इतनी हैवी चढ़ाई आने वाली नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ तक चढ़ना है, ये चढ़ गया तो आपकी यात्रा पूरी हो गई समझ लो। उस तक यहीं पर चढ़ाई है, आपको घूम घूम के आना है। यहाँ पे दो रोड बने हुए, एक घोड़े की एक चलने वाली, शॉर्टकट भी है। ज़्यादा शॉर्टकट मत मारो, आप जल्दी थक जाओगे। इधर से ऊपर जाना और यहाँ मिडिल में लाइन देखो, येलो वाला ट्रेंड दिख रहा है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाना। ये पहाड़ दोनों उसमें नहीं चढ़ना, दोनों पहाड़ के बीच में जगह है, वहीं से कैसे आपको ऊपर जाना है। आज ये जगह यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी आती भागी हाइट वाली मेन व्यू है, यहाँ से ऊपर की तरफ लास्ट में झाड़ दिख रहा है, वहाँ तक हम लोग जाना चल के। बस कड़ी चढ़ा एकदम, पीछे टोक भी चढ़ाई एक किलोमीटर की है। उसके बाद जोजीवाल से स्नाक बालताल बाबल है, पंचतरणी है, पवित्र गुफा 30 किलोमीटर टोटल। यहाँ से अपने को 30 किलोमीटर चलना है ऊपर की तरफ, इस तरफ की खड़ी चढ़ाई आपको चढ़ना है, और ये शॉर्टकट मारे हुए तो आपकी जल्दी हालत खराब होगी। क्या करना है, जहाँ भी रास्ता दिया हुआ है, रास्ता ऐसा दिया हुआ है बड़ा वाला, उधर से चल गया, इसमें अगर फिसल गया तो आपकी हालत हो जाएगी। नीचे पीछे नहीं है, पीछे ही हो, पीछे है ना पक्का, जज पहले चल के आ रहे ना, वो पीछे ही है। घोड़े वाले कह रहे हैं आगे, घोड़े वाले को दिखे रही है, वो पहले निकल के लगता है। देखो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गया, मेन में जो चढ़ाई वाला ये पहला पड़ा हुआ है चढ़ाई का। ये दो पहाड़, एक इधर पहाड़ है एक इधर पहाड़ है, उसके बीच में जब अपने को जाना है इधर ऊपर की तरफ, इस पर नहीं जाना है। यहाँ पर देखो एक सामने झाड़ दिख रहा है, उसके पीछे जाना, वहाँ से मस्त सीधा रास्ता आने वाला है। जो भी नया बंदा आता है सब पहले ना यहाँ पे पहले जल्दी सकता है, बहुत लोग यहाँ भी घोड़े कर लेते हैं ये देख के ही, इतना नहीं चढ़ पाएंगे। जय भोले। अरे बहुत सारे घोड़े, इसके लिए चलने नहीं मिला, मट्टी बहुत सारी उड़ रही है, घोड़े देखो कि चल रहे हैं, अभी आएंगे भी इसमें जाएंगे भी इसमें, अब तो चलने का जगह ही नहीं मिल रहा है। जय भोले। जय भोले। कहाँ से आप? हैदराबाद। हैदराबाद से कितनी बार आए हैं? पहली बार है? फर्स्ट टाइम। मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। ये वाली सारी दिख रही है टीप चढ़ाई, एकदम स्टीप वाला, इधर से एकदम हार्ड है, इधर से ऊपर आए हम लोग, यहाँ से थोड़ा लेवल में आया, बट क्या करें बताएं, यहाँ से ऊपर जाएंगे घूमते हुए, इस तरफ से जाएंगे और ये पहाड़ के पीछे आ रहा है, सामने झाड़ दिख रहा है वो वाला लास्ट है। ये आज की पहली चढ़ाई जो हमारी वाली यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है, तो तुम ही करोगे तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे से 2 दिन भंडारे अलग अलग, हमें यहाँ से बहुत सारा कुछ खाया और पॉपकॉर्न लिया, देखो मस्त है एकदम डिशेज थी। तो ये वाला फाइनली भंडारा जहाँ मैंने पार कर लिया, यहाँ के बाद जो मैंने बोला चढ़ाई खत्म हो रही है, उसका मतलब ये है कि सीधा रास्ता है, देखो यहाँ से उस तरफ जा रहा है सीधा 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 सामने एकदम अंदर तक, आपको चढ़ाई नहीं है, हल्की हल्की है बट आपको इतना फील नहीं होगा। और यहाँ से अपने को स्टेशन के लिए 8.5 किलोमीटर बाकी है, वहाँ पर अपना पहला पड़ा होगा, अभी 12 बजने को आया दोपहर के, 8.5 किलोमीटर कवर करना है बस, हमें भी टेक करना फोटो में। पहली बार जब हम आए थे यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर था, इधर का पूरा एरिया आप देख रहे हो, पूरा ग्लेशियर जमा होता है, जैसे पानी आ रहा था यहाँ से नीचे जाता था। इस बार बहुत गर्म है, लोग कचरा भी फेंक रहे इधर, लोग नहीं सुधरेंगे। तो यहाँ से कैसा है, यहाँ से बस भाग भाग के जाना, वो वाली चढ़ाई जो सामने दिख रही है वो कैसी है, थोड़ी सी चढ़ाई है बस, ज़्यादा नहीं है ना, स्लोली स्लोली चढ़े आपको खुद को पता नहीं चलेगा। यहाँ से आने के बाद एक आपका 1 से 1.5 घंटा आराम से सीधा चलना है, लंबी चढ़ाई नहीं है। तो इस तरह की रेलिंग सारी लगी रहती है पहाड़ की साइड में, बट जब ये बर्फ़ आती है वोडन सारा गिर जाता है। इतनी देर में हम लोग देखो वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, मतलब 200 या 300 मीटर हम लोग कवर कर लिया 5-10 मिनट में। ऐसा होता है भाई, ये हवा एक नंबर आ रही है, हवा आ।
सामने देख ले अच्छे से, चल कुछ नहीं करेगा घोड़ा, काटेगा नहीं। सो ये वाला इधर भी ना हर बार ग्लेशियर होता है, वहाँ से लेके हर जगह बर्फ़ जमी होती है। हम लोग उसके एक छपरा जा बना था, उसके नीचे आके फ़ोटो निकालते हैं, पर इस बार धूप ऐसा है कि इस बार ज़्यादा बर्फ नहीं है। बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं, अगले जन्म में घोड़ा मत कीजिए। रुके पानी के लिए रुके, यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। देखो हम लोग वहाँ से ऊपर से आए, ग्लेशियर दिखा वहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़ी सी बर्फ है, तब से हम लोग चल ही रहे हैं। ग्लूकोज का पानी अगर आपके पास रहेगा थोड़ा मिक्स करके ले लो साथ में, सांस थोड़ी थोड़ी फूल गई। इस बार कैसा धूप है, इतना ऑक्सीजन लेवल हाई है और हवा भी बहुत सारी आ रही है, तो ऐसा नहीं कि आ रहे हो तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखो उधर ग्लेशियर लगा हुआ है, वहाँ पे बादल है, बारिश बिल्कुल नहीं है। अरे जय वाले जय वाले, हेलो प्या है, एसी वाला रूम था तो नहीं लिया मैं, एसी वाला रूम था नहीं लिया मैं। स्टेशन का बोर्ड पीछे मारा हो, यहाँ से लगेगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक चलना है, इसके बाद अपने को रेस्ट करना है, बाद अपने को टेंट वेंट रहेगा। तो हमारा ग्रुप सब साथ में, एक दो बंदे आगे पीछे है वो भी ढूंढ लेगा, बाकी सब पूरी तरी है। अभी 6 किलोमीटर का खाली रनिंग है बस, बाकी नहीं चढ़ाई सारी खत्म हो गई यहाँ से। हम लोग इस तरफ से आए, वहाँ पर आगे भंडारे थे इसके पीछे वाली जगह पर, और वहाँ पर मेडिकल कैंप वगैरह था, पूछे अगर तबियत खराब होती तो मेडिसिन दे सकते हैं, ऑक्सीजन भी मिलेगा। और सामने ये दिख रहा है जोजीपाल का, 2 किलोमीटर यहाँ से है जोजीपाल का भंडारा। तो आपकी तबीयत ख़राब है, आपको लग रहा है नहीं चल पाएंगे, कोई भी भंडारा में आगे सो जाओ, ये ऑफकोर्स खाना मिलेगा आपको। सामने दिख रहा सारा जोजीपाल है, ये जोजीपाल का भंडारा है, यहाँ पे आपको खाना मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं खा रहे तो आपको सीधा तक कुछ भी नहीं मिलेगा, बैग अपना जो रहेगा उसमें ज़्यादा सामान ना डालो, हैवी लगेज भी सब थक जाओगे, अदरवाइज कुछ ज़्यादा चढ़ान नहीं है। ये जगह जोजीपाल 0 किलोमीटर, नागाकोटी 1 किलोमीटर से आ गया, और शेषना यहाँ से रहेगा 5 किलोमीटर। बोले कि जय बोले असम जब मेरी यात्रा हुई थी जिन्हें मैंने आखिरी बार यात्रा की थी, मोटा मैं भीग गया था, तो ये वाला भंडारा में रुका था, इनका यहाँ पर टेंट लगा हुआ, जो पीछे यहाँ पर टेंट लगा जहाँ पर मैं सो गया था, वो इतना भीग गया था मेरे को आगे जाने में हो नहीं रहा था। नेक्स्ट डे मैं सेशना गया और पता चला यात्रा बंद हो गया, तो मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ वीडियो अमरनाथ का। दोपहर के 2:30 बजे, मैंने सुबह 8:30 बजे स्टार्ट किया था यात्रा, तब से हम चल रहे हैं। अभी कितना किलोमीटर बाकी भाई? और 5:30। 5:30 बाकी है शेषनाग, शेषनाग नहीं 5 हो गया ना इधर, तो जोजीपाल हम लोग पहुँच गया है। जोजीपाल का ये भंडार है, यहाँ 2 भंडार है और इधर एक है, इसका आगे रास्ते भंडारे नहीं मिलेंगे। 5 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है, देखते हैं। ये वाला जोजीपाल था, वहाँ से हम लोग आए, वहाँ से मेरे को थोड़ी सी चढ़ाई थी, इसका हल्का हल्का फिसलन है, और यहाँ से ना मेरे को सीधा साधा रास्ता है, अब चढ़ाई वापस नहीं आएगा। ग्रुप फिर से हमारा आगे पीछे हो गया, हम दोनों साथ में, मैं और रोहित। यहाँ से जितना एरिया है सारा सीढ़ी वाला, यहाँ से छोटा जगह सारा इधर बना के रखा हुआ, इस रोड पे घोड़ा वगैरह आता नहीं है। जब घोड़े से आ रहे हो सकता है आपको उधर साइड में नीचे उतार देगा घोड़ा, वो आपको आगे मिलेगा और आपके यहाँ से चल के जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर सीधा रास्ता आएगा। यहाँ से ज़्यादा रेलिंग वगैरह कुछ है नहीं, इसमें स्लिपरी है, घोड़े वोड़े को मना करते हैं लोग। नज़ारा मस्त मस्त आ रहे थे, क्या व्यू है एकदम।
यहाँ पे थोड़ी खड़ी चढ़ाई है इस तरह की, घूम घूम के आपको आना है वाटरफॉल है, यहाँ से ऊपर ऊपर चढ़ाएंगे और इधर आएंगे। ये वाला लास्ट आखिरी पैच है, इधर से ऊपर जाना, इसके बाद सीधा जो है ज़्यादा चढ़ाई नहीं अभी। यहाँ पे सारी सेकंड लेवल की जो चढ़ाई थी सारी खत्म हो गई है, अपनों क्या करना है यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ सीधा भागना ही बस। आज के दिन की जो चढ़ाई थी सेकंड लेवल मैंने पार कर लिया, अभी यहाँ से अपने को रहेगा 3 किलोमीटर 2.5। तो ये लास्ट भंडारा है, यहाँ से हमने राजस्थान वाले भंडार है वहाँ से हमने चाय पिया और यहाँ से ये चढ़ाई है लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद कुछ भी चढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है। दिव्य जी पहुँच गया शेषनाग, कुछ है भी नहीं उसके बैग में, शेषनाग ये चढ़ाई थी वो भी खत्म हो गया। अब लोग क्या करना, स्लोली स्लोली चलना, कुछ ऐसे स्टेप बने हुए और नॉर्मल रास्ता भी है, मतलब एकदम इतनी चढ़ाई नहीं है। आगे जो लाइट का खंभा दिख रहा है वहाँ से आपको शेषनाग दिखेंगे, मतलब शेषनाग का जिला है वो दिखेगा। जय बोले, ये आ गया शेषनाग, तो ये वाला दिख रहा है सामने, ये शेषनाग है, ऊपर येलो में टेंट दिख रहा है, उसके पास आगे शेषनाग है, वहाँ से आगे जाना है। हर बार यहाँ पे बर्फ़ रहती है सब पहाड़ों में, ये पूरे रास्ते भी धूल मट्टी है क्योंकि बारिश भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे तो बड़ा झील दिखा एकदम, पर बैठेंगे ना मस्त, शॉर्टकट में क्या होता है ऐसी एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, लकड़ी है आपके पास तब चढ़ जाओगे आराम से। इतनी पानी की आवाज़ आ रही है इतनी जोर से, शेषनाग का पानी है वहाँ से पूरा आगे जाता है। राइट साइड में शेषनाग का झील है, झील शेषनाग तालाब जो भी है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखा गुफा का 23 किलोमीटर है यहाँ से, तो गुफा यहाँ से चलना है अपने को 23 किलोमीटर तक। हाँ मेरे पैर इस बार, इधर ही पानी कम है, यह मस्त एक व्यू पकड़ते शेषनाग झील का और आगे जाके कहीं बैठते हैं। मौसम मस्त है, अभी तक बारिश नहीं आया, ना ठंडी आई ना कुछ नहीं। यहाँ से हेलीकॉप्टर का रूट है, यहाँ से जाता है और आपको ये रूट से छोड़ेगा पहलगांव के लिए, आपको पहलगांव के लिए हेलीकॉप्टर करेगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज है। और दूसरा वाला ऑप्शन है आप बालताल से आ सकते हो, बालताल से मेरे को 4 या 5 मिनट में आपको पंचतर ही छोड़ेगा। जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये एक नंबर व्यू है, ये है शेषनाग झील है, भगवान शंकर जब गए थे अमरनाथ के लिए तभी पूरे फैमिली के साथ निकले थे, पूरे अपने परिवार के साथ, तो अपने गले का जो नाक था उसने यहाँ पे उतार के रखा था। अमरनाथ की जो कथा है ऐसी है कि जैसे भगवान शंकर अपनी फैमिली के साथ जब निकले थे पहलगांव से, तो सबसे पहले उसने नंदी को वहाँ छोड़ दिया था और उसके बाद वहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी। चंदनवाड़ी में जो अपना ऊपर का जो चाँद रहता है इधर, वो चंद्रमा जो बोलते हैं, उनको वहाँ छोड़ दिया था और उसके बाद जैसे आगे आए वहाँ पे गणेश टॉप आता है, गणेश टॉप पर गणपति जी को छोड़ा, ये शेषनाग है यहाँ पे शेषनाग जी को छोड़ा और आगे पंचतरणी आएगा, इसके बाद आगे गणेश टॉप आएगा पंचतरणी। पंचतरणी में कैसा जा पंच तत्व जो होता है इधर, वो तत्व अलग किए, उसके बाद वो लोग फाइनल लेके गुफा के लिए, गुफा की जगह स्टोरी है, मैं गुफा जब जाऊँगा दर्शन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और अब चैनल में नए हो पहली बार देख रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है और मेरे वीडियो यूज़फुल होते हैं, आपको काम भी आएंगे, ठीक है। ये सूरज भाई हमारे ग्रुप के है, सूरज भाई है ना, और कौन है पीछे, दूसरा कौन है, रमेश भाई है, रमेश भाई, सूरज भाई और रमेश भाई दोनों पता नहीं कौन सी चॉकलेट ढूंढने गए थे। हाँ वैसे सब सामान उठाते और भागते उधर, ठीक है। तो ये पूरा शेषनाग झील का वो साइड का एरिया, हम लोग वहाँ से घूम के इधर से आए, वो कहीं भी आप देख लो कहीं चढ़ान नहीं है, रास्ता ऐसे ही है, नॉर्मल रोड है। पूरे यहाँ पे वाइट में देखो लिखा वहाँ तक जाना, उसका राइट साइड में टेंट है वहाँ से अपना, इस बार बर्फ़ नहीं है अरे वह सारा ये बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ ढका रहता है इसमें पहाड़ पे। यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी बकरी है, ये देखो ये बकरी पहाड़ की है, ये ऐसे ही घूमती रहती है, खाना खाती रहती है और ये कहीं भी चढ़ जाती है। यहाँ से पूरा माहौल चेंज हो जाता है, यहाँ पे आते मस्त ठंडी हवा आती है, यहाँ से एक बोर्ड मारा हुआ है यहाँ पे 2 किलोमीटर, ऐसा कैसा हो गया, 2 किलोमीटर चल रहा है।
फर्स्ट चलनी है 16 किलोमीटर जहाँ हेलीकॉप्टर आता है और गुफा 22 किलोमीटर रह गया। और ये वाला पानी का सोर्स है, पानी पीने लायक होता है। यहाँ कहीं से बोतल खरीदो मत, आपको अच्छा पानी मिलेगा, यहाँ से पानी भर सकते हो। 5:52 है, मैं मॉर्निंग में 8:30 को स्टार्ट किया था। आप समझ सकते हो कितना टाइम लगता है। सबकी हालत देखोगे एकदम पूरे हालत ख़राब हो गया सबकी, किसी का मूड नहीं बात करने का। जैसे वो दिखा दो सामने गेट है, सामने जो दिख रहा है ब्लू वाला बोर्ड, वो कब से मैं भी देख रहा था। 1.5 घंटा मेरे को लगा यहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। पहुँच गया। तो ये वाला मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाना है। तेरा जय बोले दूसरी सुन। सर अभी चेकिंग हुआ है सर, ठीक है वो अंदर आया। यहाँ पे ग्रुप में अगर साथ में कोई मेंबर आ रहे हैं तो आपको सारे यहीं पे मिलेंगे सुशनाग में, और यहाँ से ट्रेंड करके जो मैनेज कर सकता। ए जय बोले ये लोग मिल गए, हर हर महादेव महादेव महादेव। कैसा मजा आया, सब ठीक है? नहीं, 20 फीट नीचे से ऊपर तक का घोड़ा के आधे से मतलब, और फिर उधर से वापस किया। कितना पैसा लिया घोड़े वाले ने? 420 दिया और इधर का 720। तुम अपने हिसाब से बराबर दिए 420। सामने जो दिख रहा है ये वाला पुल दिख रहा है, मिच में नदी है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। ये सारे टेंट लगे हुए जितने भी टेंट है उसमें अपने को स्टे करना है। और यहाँ से मेरे को लगता है मैक्सिमम 1 किलोमीटर रहेंगे, भी उतना चलना है। आज की जो ट्रैकिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी है। सामने अपने बंदे बैठे हैं और टेंट लेके जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। को जाना है इधर को, सुई वाले रास्ते से हम आते हैं, आपको सीधा नहीं जाना, ठीक है? यहाँ से आने के बाद राइट हैंड साइड में आपको नीचे टर्न दिख रहा है, तो ये राइट हैंड साइड में आपको टर्न दिख रहा है। दो जगह रास्ते उतरने के लिए जहाँ से भी आपको मन करे। सामने देखो अनाउंस सेंटर है, वहाँ जाना। फिर आपके पास सिम कार्ड नहीं है, आपका नंबर नहीं चल रहा है, तो आप क्या करना, वहाँ पर अनाउंस सेंटर है, वहाँ जाना। अपने ग्रुप का, अपनी फैमिली मेम्बर का नाम देना, ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो आवाज़ इग्नोर करें। और इसके पीछे जाने दिख रहे वही टेंट है, आपको वहीं पर स्टे करना है रात को। हाँ, सो ये वाली नदी है, क्रॉस करनी है, क्रॉस करके आपको ऊपर की तरफ जाना है, सीधे सामने की तरफ जहाँ पे कोई अनाउंस हो रहा है उधर जाना है, वहाँ से आपको गेट से एंट्री लेनी है। घोड़ा भाग रहे। सो फाइनली बेच के मैं अपना यहाँ पे आ गया है, अभी चलना नहीं है, यहाँ से एंट्री करनी है और टेंट लेना और आराम करना। यहाँ से मैं किलोमीटर दिखा दो कितना क्या है। पंचतरनी 14 किलोमीटर है और गुफा है 22 किलोमीटर। सुबह अपने 14 किलोमीटर चलना है, गुफा 20 किलोमीटर है। यहाँ से हाजीपुर से जहाँ कोई भी हो अनाउंसमेंट कैंप के पास आ जाए। यहाँ पे जो चेकिंग होनी है उसके बाद अपना टेंट यहाँ पे सामने, हम लोग टेंट में जाएंगे। आ गया। ये देखो इधर ही टेंट है हमारा, इधर या उधर, लास्ट टाइम लोग यहीं से रिटर्न हुए थे। हाँ टेंट इधर है, ज़्यादा लंबा चलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा रात में पानी ज़्यादा आता है तो हम टेंट के साथ बैठ जाएंगे। जय बोले दी। सो हमारे जवान पहले पहुंच गया, उन्होंने टेंट वेंट का सब बंदोबस्त कर लिया। सबसे पहला बंदा ये आया, उसका सामान बहुत कम था। कौन आया? हाँ ये स्पेशल एंट्री था, वो सबसे पहले आया। मैं अंदर के बाद में आपको पूरा टेंट दिखाता हूँ, ठीक है? ये वाला टेंट है, हमने बुक किया है, ये वैसे 10 लोग का टेंट होता है। 10 लोग का ना भाई? 10 लोग का होता है। हमारे से कितना लिया टेंट का? हमने 10 का पे कर दिया। 10 का पे कर दिया। हमारे 13 लोग हैं, हमने 2 टेंट किया, हम लोग आपस में जो भी है एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? सब लोग आ गए। इस तरह का टेंट है, इसमें हम लोग ये ओढ़ने के लिए मिलेगा बड़ा जाड़ा वाला, और इसे बिछाने के लिए भी सेम ऐसे ही मिलेगा, ठीक है? हमारा जो पहले दिन का ट्रेक था डिफिकल्ट ट्रेक, वो पूरा हो गया। कुछ लोग घोड़े करके आए, कुछ लोग चल के आए, कैसे भी करके लोग आ गए, ठीक है? यात्रा मैंने पूरा जर्नी दिखाया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मार देना, ये सब में बहुत इफर्ट लगता है। चलते टाइम ना ये कैमरा लेके हर चीज़ रिकॉर्ड करना, वो सब देना बहुत, देखो मेरी शक्ल फेस मेरा ऐसे मालूम पड़ता है कैसी हालत होती है, प्लस सारा बैग का लगेज वो सब उठा के थक गया हूँ मैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा भी हेल्प कर दो, सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक करके, ठीक है? और अच्छा सा कमेंट डाल दो वीडियो में, जो भी अच्छा लगा कमेंट डाल दो, बुरा लगा तो भी कमेंट डाल दो, ठीक है? ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, कल मॉर्निंग में निकलेंगे यहाँ से तो नया वीडियो आएगा, ठीक है? जय बोले। Oh